हेलो दोस्तों, क्या आपके पेज या प्रोफाइल पर अनऑरिजिन कंटेंट आ रहा है? अनऑरिजिन कंटेंट काफी टाइम हो चुका है और वो तब भी नहीं हट रहा है, तो आपको उसको हटाना कैसे वो आपको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पर आपने लाइव स्ट्रीम काफी करके चेक कर ली तब भी नहीं हट रहा है, आपने कॉपी पेस्ट की वीडियो सारी डिलीट कर दी तब भी आपको अनऑरिजिन कंटेंट नहीं हट रहा है, आपने सब कुछ करके देख ली तब भी आपको अनऑरिजिन कंटेंट नहीं हट रहा है 2024 में, तो आपको एक मैं नया तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अनऑरिजिन कंटेंट हटा सकते हैं। आपको अनऑरिजिन कंटेंट से कैसे बचना है वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको 2024 में एक नए तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे दोस्तों हमारे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, अब मोबाइल की स्क्रीन पे आने वाले यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल या अपना पेज यहाँ पे ओपन कर लेना है ना। यहाँ पे आने वाले यहाँ पे आपको प्रोफाइल रिकमेंडेशन में करना है क्लिक। रिकमेंडेशन में आप क्लिक करने वाले यहाँ पे आपको मोनेटाइज में आपको क्लिक करना है या आपको यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैंने मोनेटाइज पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेरा अनऑरिजिन कंटेंट आ रहा है और दूसरी चीज भी और आ रही है ना। अनऑरिजिन कंटेंट क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे करता हूँ मैं क्लिक। इस पे क्लिक करने पर यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे लिख के वॉल्यूशन डिटेल्स है ना। अनऑरिजिन कंटेंट शेयर कंटेंट डेट योर टेक्नोलॉजी डिटेक्ट वॉज अनऑरिजिनल आर फ्रॉम अदर सोर्स विद लिमिटेड एडिड वैल्यू। फिर इसके नीचे हाउ दिस इफेक्ट यू अदर मोनेटाइजेशन टूल्स मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल। इसका कहने का मतलब जी यहाँ पे आप जो वीडियो डाल रहे हो, जो रील्स वगैरह डाल रहे हो, उसमें आप अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब आप कॉपी कर डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहे हो, अपनी कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, इसलिए आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको हटाना कैसे वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एक, इस प्रॉब्लम का है ना। इसको लेने के बाद फिर आपको इस साइड का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको बैक कर लेना है। आपको बैक करने के बाद मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी आपने कॉपी पेस्ट वीडियो करी ना उनको आपको सबको कर देना डिलीट, जो भी रील्स हैं और वीडियोस वगैरह हैं उनको आपको कर देना डिलीट। लाइव आपको करवाना वो मैं आपको बताता हूँ। ये काम करने के बाद आपको 20 रील्स अपनी अपलोड करनी पड़ेगी खुद की जेन्युइन, मतलब ऐसे आप खुद ऐसे करके वीडियो अपनी बना सकते हैं, जो मिनी ब्लॉग होते ऐसा बना सकते हैं, या ऐसे टेल तो आपकी वीडियो बना सकते हैं, या आप अपने अपना गांव दिखा देते बाहर का एरिया जो भी है वो आप दिखाकर एक शॉर्ट वीडियो बना लीजिए और लॉन्ग वीडियो बना लीजिए। लॉन्ग आपको 20 अपलोड करनी है और शॉर्ट आपको 20 अपलोड करनी है। फिर आपको लाइव आना है 5-6 मिनट के लिए, एक हफ्ते के लिए आपको लाइव आना है। और जो मैंने आप वीडियो अपलोड करने के लिए कहे जैसे रील्स हुई और वीडियोज हुई ना, तो वीडियो की आपको लेंथ रखनी कम से कम 3 मिनट और आपको रिसीव अपलोड अपनी करनी है। तो ऐसा आपको ये काम करना है। ये काम आपको करने बाद आप 25 दिन बाद या आपको एक महीने बाद आप फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको फेसबुक को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपको ईमेल भी करना पड़ेगा। वो आपको काम कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ, वो सेटिंग आपको यहाँ पे करके रखनी है। इसको यहाँ से आपको हटा लेना है। पेज या प्रोफाइल यहाँ पे आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स पे आपको क्लिक करना है या आपको ये चेक करनी है। यहाँ पर रिपोर्ट अबाउट अदर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं, अगर है तो उसको आपको हटा देना है ना। यहाँ पे आपको योर अलर्ट है, अगर आपको यहाँ कोई वीडियो वगैरह देखते हो वो भी आपको यहाँ पे हटा देनी है। और एक और चीज वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको पे सेटिंग में करना है क्लिक। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आपको सबसे नीचे एक सेटिंग दिखेगी फीड सेटिंग, इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने बाद फिर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने बाद आपको जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे आपको करना है क्लिक। इसको आपको यहाँ पे चेक करना है यहाँ पर आपको ये डिफॉल्ट पे है कि नहीं है ना। ये आपको डिफॉल्ट पे करके रखना है, जैसे आपको बैक कर लेना है, फिर आपको दूसरे वाले पे क्लिक करना है। इसको भी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पे आपको करके रखना है। इस पर मैं हटा लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे सेंसिटिव अकाउंट पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे आपको कर लेना है, ये आपको करके रखनी है। अगर आप सभी तीनों डिफॉल्ट पे आपको कर लेना है। तो जो भी कुछ था मैं यहाँ पे आपको बता दिया, आपको जो अनऑरिजिन कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो आपको फेसबुक को बतानी है, जो कॉपी पेस्ट वीडियो है वो आपको डिलीट कर देनी है, और आपको 15-20 वीडियो अपनी अपलोड कर देनी लॉन्ग और शॉर्ट। इसको अपलोड करने के बाद आपको एक हफ्ते लाइव आना है 5 मिनट के लिए। तो ये काम आपका पूरा करने के बाद ये आपका एक महीने के अंदर में पूरा हो जाएगा। फिर आपको फेसबुक टीम के पास रिक्वेस्ट भेजनी और ईमेल भी करना है। वो काम कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लिंक होगा फेसबुक सपोर्ट टीम का हुआ ना, इस पर आपको इसको आपको कर देना क्लिक। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आपके प्रोफाइल पे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे आपको प्रोफाइल का नेम डाल देना है। अगर पेज प्रॉब्लम आए तो पेज का यहाँ पर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पेज का यहाँ पर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जैसे कि व्हाट प्रोटेक्ट आर यू हैविंग
एन इशू विद है ना, यहाँ पे आपको एड्स ऑन रील्स पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी कॉपी पेस्ट का काम करा वो या तो हमने रील डाली या तो हमने वीडियो डाली है, वो ज्यादा वीडियो पे बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, रील्स हम डालते हैं उस पे आप ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम एड्स ऑन रील्स पे कर देंगे क्लिक। अब आपको एड्स ऑन रील्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अदर पे कर देना क्लिक। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने पेज का या प्रोफाइल का यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे दे देना है। अब देने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में देना, आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है। लेने के बाद फिर आपको इस वाली एप्लीकेशन पे आना, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट, इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीनशॉट में तो जो टेक्स्ट है ना वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू पे कर देना के लिए, फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम कर देनी है पेस्ट, है ना। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे लिख रहा है, यहाँ पे आपको जो भी है ना वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोफाइल कर लेता हूँ, है ना। प्रोफाइल करने पर यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है। लिंक तो हमारा यहाँ पे ऊपर, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बैक कर लेना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेंड पे कर देना है क्लिक। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये आपकी फिजू टीम के पास चली जाएगी। फिजू टीम आपके पेज को चेक करेगी, एक हफ्ते के अंदर भी कर सकती है, एक महीने के अंदर भी कर सकती है, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तब आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हट पाता है। ये काम करने बाद आपको फिजू टीम को ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको गूगल ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक ईमेल सपोर्ट, आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक ईमेल सपोर्ट। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाउ कैन आई ईमेल फेसबुक सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जो सपोर्ट टीम का जो ईमेल है ना, फेसबुक सपोर्ट टीम का ईमेल है, यहाँ पर दे रहे हैं support@fb.com के नाम से है। ईमेल यहाँ पर ले लेना आपको। अब लेने के बाद आपको ईमेल करना पड़ेगा फेसबुक टीम पर। तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईमेल में, चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाया था तो उसने मेरे को लिख के दे दिया। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं ईमेल लिखवाने के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फेसबुक टीम के पास भेज सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको ईमेल कर देना है फेसबुक टीम के पास। तो अगर आपको ईमेल करना नहीं आता तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ईमेल कैसे करते हैं, तो वहां पर आपको पता पड़ेगा ईमेल कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अनऑरिजिनल कंटेंट हमको ये कहता है कि आपने कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करी है। तो 2024 में काफी पॉलिसीज वगैरह चेंज हो चुकी है, तो आपको अगर आप कॉपी पेस्ट का काम करना है तो थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा। हर कोई कॉपी पेस्ट पैसे कमा नहीं सकता है, उसका भी एक तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कर ली, तो उसमें आपको उसमें अपनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, या तो मैं अपनी वॉइस ओवर कर सकता हूँ उसमें, वॉइस ओवर नहीं तो आपने रिएक्शन वीडियो देखी उस तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते, जैसे कि लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो, उसमें अपनी फेस का रिएक्शन आपको देना है, ऐसा हंस के या मतलब कि हाई हेलो करके, जैसे ऐसे ऐसे करके आपको अपने फेस का यहाँ पे रिएक्शन देना है, ऐसा आपको काम करना है। और आपको वैसे थोड़ी एडिटिंग वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा, एडिटिंग करना मैंने बताया है, और भी मेरी वीडियो का चेकआउट कर सकते हैं एडिटिंग वगैरह कैसे करनी होती है। एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो उस समय आपको जो भी वीडियो की वॉइस है उसको हल्का फुल्का चेंज कर देना, या तो उसकी रफ्तार बढ़ा देनी या तो आपको कम कर देनी है, या तो कोई वॉइस चेंजर होते हैं ना वो आपको यहाँ पे वॉइस वगैरह चेंज कर देनी है, ऐसा काम कॉपी पेस्ट का आपको करना है। फिर भी आपको अनऑरिजिनल कंटेंट की या फिर आपको फिशर रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको चेक करके आपको गाइड करूँ कैसे आपको ये हटानी है, कैसे मतलब क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपको फिशर रिलेटिव आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जी वीडियो चले वीडियो को लाइक चैनल कर लें, सब्सक्राइब बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।